सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग अपने साथ लाइव जुड़ चुके हैं, आप सबको केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी लाइव लेक्चर्स का इंतजार था और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जल्द ही रिकॉर्डेड फॉर्म से लाइव लेक्चर्स में लूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ये हेडिंग आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम नोट करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा सिंगल इलेक्ट्रोड सेल यानी कि हाफ सेल का डायग्राम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। ओके, तो जब कभी भी किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में हम डिप कराते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये जिंक की रॉड ले ली और जिंक सल्फेट या कोई भी जिंक आयन, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कुछ भी जिंक आयन जरूरी है ये होना, एनायनिक पार्ट से कोई मतलब नहीं है। जो मेटल होगा, जैसे ये एम मेटल है तो M प्लस M2 प्लस आयन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, मेटल आयन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, सेम मेटल आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, देन पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन द मेटल रॉड एंड मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर बुक में यही लिखा है और यह सही भी है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें और जानने की जरूरत है, और वो थोड़ी बहुत और चीजें जो जानने की जरूरत है उसका नाम है चार्ज सेपरेशन लेयर, जिसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहते हैं। तो चार्ज सेपरेशन लेयर क्या होती है, यहां पर अपने को यह भी जानना है। तो जरा डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया, एक मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराया, एक मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराया। ओके, अब क्या होगा, अब अगर ये मेटल की रॉड को जब आप मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो M किस में जाएगा, Mn प्लस में। तो इसकी रिएक्शन क्या हो रही होगी, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से चल रही होगी, ये जो हमारा मेटल है, ये मेटल इस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा और ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, चार्ज देख लीजिए बैलेंस है, तो मेटल विल ऑक्सीडाइज। तो ये जो Mn प्लस आप देख रहे हैं मेटल आयन, ये मेटल आयन रॉड से निकलकर सॉल्यूशन में आ रहा होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये रॉड का ये पोर्शन आप देखेंगे तो कट कर रहा है और यहां से ये मेटल आयन बाहर आ रहा है। यहां पर भी देखिए इस डायग्राम में यही समझाया जा रहा है कि मेटल रॉड से मेटल आयन निकलकर बाहर आ रहा है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर भी देखिए ये M प्लस आयन कैसा है, तो यहां पर दो टाइप के M प्लस आयन हैं। ये पहला जो M प्लस आयन है, ये जो पहला M प्लस आयन है, ये है मेटल आयन From metal rod। ध्यान से समझिएगा, most important points हैं। तो ये वाला हो गया metal ion from the metal rod, और इस वाले को देखिए ये M plus ion कैसा है। तो ये M plus ion, ये metal ion solution में है पहले से ही, metal ion present in the solution, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग। तो ये पहला वाला तो बता दिया गया कि ये
मेटल आयन कहां से आ रहा है? ये मेटल आयन रॉड से आ रहा है, और ये मेटल आयन कहां से आ रहा है? ये मेटल आयन सॉल्यूशन के मेटल आयन से है। आप इस चीज को अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लीजिए। जिंक की रॉड को आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो अगर आपने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला होगा तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले यहां पर जिंक इस तरीके से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा, किसमें? Zn2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ जो जिंक सल्फेट होगा सॉल्यूशन में या जिंक नाइट्रेट होगा जो सॉल्यूशन में, वो जिंक आयन भी आएगा। तो ये वाला जिंक आयन जो कि मेटल रॉड से आ रहा है और दूसरा जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट का जिंक आयन, ये सब सॉल्यूशन में ही आ गया। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, अगर ऐसा हो रहा होगा तो शुरुआत में सॉल्यूशन के अंदर जितना मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तभी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल था, सॉल्ट डाला गया था। अब अगर एक्सेस में M+ आयन और आ जाएंगे सॉल्यूशन में, तो क्या सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा? क्या इससे आप एग्री करते हैं? सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आने लगेगा, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रॉड कैसी हो जाएगी? रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें से M+ तो बाहर निकलता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही आ रहे होंगे, तो रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई। और सॉल्यूशन कैसा हो गया? सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है और रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यह बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस, और यही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? एज पर द डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मेटल विल ऑक्सीडाइज। मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, चाहे वो M मानकर आप सॉल्व करें या जिंक को समझ के सॉल्व करें। तो अगर मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, मेटल आयन रिड्यूस होता है, मेटल कभी रिड्यूस नहीं होता, मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। और अगर मेटल में कोई रिड्यूस की बात कर रहा है, इसका मतलब मेटल आयन रिड्यूस हो रहा है। तो मेटल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के कैसे होंगे? अगर मेटल ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना मेटल आयन में और सॉल्यूशन में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कब होगा? जब मेटल ऑक्सीडाइज हो। लेकिन अगर मेटल आयन रिड्यूस होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटल रिड्यूस होता है मत बोलिएगा कभी भी, और ना ही समझना है ये। अगर मेटल आयन रिड्यूस होता है और वो मेटल में जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, और अगर ऐसा होगा तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में बोलते हैं REP। REP बोला जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, और OEP बोला जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी मेटल के रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन, उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं,
तो मेटल रॉड पे कोई चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से। अगर मेटल रॉड मेटल ऑक्साइड हो रहा है तो रॉड कैसी हो जाएगी, रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और मेटल आयन का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता, अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता तो सोचिए इसका उल्टा होता, यानी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन अभी भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ, और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर मेटल आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इतनी बात आपको क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ गया और नेगेटिवली चार्ज रॉड में आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन का होगा वो नेगेटिवली चार्ज रॉड को घेर लेगा, और इसी से बनता है चार्ज सेपरेशन लेयर। ओके, जिसकी वजह से ये चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब वो बंद क्यों हो जाएगा उसको अभी थोड़ा आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ समझाना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके समझिए। ओके, पहले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम पे जैसे जैसे मैंने मेंशन किया है वैसे वैसे आप भी मेंशन कर लीजिए। रॉड नेगेटिवली चार्ज थी नहीं, रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई। कब हो गई, जब मेटल की रॉड से मेटल आयन बाहर आया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेटल की रॉड मेल्ट करने लग गई, गलने लग गई। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी डायग्राम बना लेना है आपको, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो बना लेना है। थ्योरी इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो फिर लिखते जाइएगा। क्लियर सर? ओके, तो अब इसका थ्योरी भी नोट करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया उन्हीं चीजों को लिखना है। व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, मेटल रॉड एक्वायर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए यहां पर मैंने आपको बोला भी था, मेटल की रॉड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, और इसके लिए मेटल रॉड और सॉल्यूशन दोनों जिम्मेदार हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन मेटल की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ है क्लियर करना, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन ड्यू टू चार्ज सेपरेशन लेयर और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द इंटरफेस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन डेवलप्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारा मैटर, इक्विलिब्रियम आ जाना, चार्ज सेपरेशन लेयर आ जाना, ये बुक्स में जल्दी नहीं लिखते हैं, इसीलिए आपको यही नोट्स लिखने हैं और इन नोट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके?